देखें, जब उन्होंने ये विजन आपको 2025 का विजन दिया है ना आपको, उसमें अभी राइटन की जो कैपेसिटी है वो 1300, 1300 2600, 2600 जमा 200 2800, 2800 जमा 150 कर लें आप 2950, 2950 जमा 660 कर लें, तो तकरीबन कोई 3500 से ज़्यादा की इनकी तो ऑलरेडी इस पे हैं, ये पाइपलाइन में है इनकी कैपेसिटी जो है। उसके बाद फर्दर इनके ऑनगोइंग क्या प्रोजेक्ट्स हैं अभी इनके ऑनगोइंग इसमें तो नहीं है, लेकिन क्या इन्होंने जो एक्सपेंशन प्लान था उसको डाइवर्सिफाई किया? यस, उसको डाइवर्सिफाई किया इन्होंने। डाइवर्सिफाई किया ना एंग्रो सिंध, एंग्रो कोल माइनिंग में इन्वेस्टमेंट कर ली कुछ, और कुछ इन्वेस्टमेंट आपकी वो कर ली इन्होंने, दो पावर प्लांट्स में कर ली, वो तो चलो शेड्यूल था इनका, अनाउंस था इनका। उसके बाद कुछ इन्वेस्टमेंट इन्होंने ENI में कर ली, चलें वो भी शेड्यूल था। और दूसरा ये है कि स्टेक अपना जो इंक्रीज़ किया है उसमें, वो उन्होंने इंक्रीज़ किया है CPSG में, और CPSG में मुझे लग रहा है स्मेल आ रही है कि ये स्टेक अपना और बढ़ा लेंगे, और ये स्टोरी आज तक की है। और ये फिर कोविड आ गया, फिर आपके पास ये आपके पास सिनेरियो अगला बना कि जो आपकी पावर थी, पावर सरप्लस में आपकी आ गई IPPs की, और उसके बाद फिर हमने देखा इस गवर्नमेंट ने जब आया 2018 में तो उन्होंने डैम्स को फोकस किया, तो हाइड्रल पावर बहुत बड़ी ऐड होने जा रही है सिस्टम के अंदर। तो वो मेरा ख्याल है वो बड़ा एक टाइमली कॉल थी इनकी कि अगर फर्दर ये नहीं जा रहे, उनको पता है कि 4000 से 5000 MW तो सिर्फ हाइड्रल ऐडअप होने जा रही है सिस्टम में, तो ये नेक्स्ट आगे थोड़ा डिले करके हो सकता है फिर ये पावर में आ जाए। और दूसरी बात है कि थर कोल का जो रीजन है उसको आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, जितनी पावर जनरेशन वहाँ पे होनी है शायद ही पूरे पाकिस्तान में किसी हिस्से में इतनी हो रही हो, तो जिसकी वजह से उन्होंने मटेरी ट्रांसमिशन लाइन एक स्पेशल प्रोजेक्ट के तौर पे उसको वहाँ से दी है, एक्सेस दी है। तो सिर्फ ये दो पावर प्लांट्स के लिए या उसके एंग्रो के पावर प्लांट्स के लिए नहीं है, वहाँ पर भी शंघाई की इन्वेस्टमेंट भी है, शंघाई इलेक्ट्रिक की इन्वेस्टमेंट भी है वहाँ पर, और भी काफ़ी कंपनीज हैं जो पाइपलाइन में हैं। तो ये कोविड की वजह से सारे डिले हुए हैं, तो वो शायद 2023-2024 के बाद हमें कुछ ऐसी न्यूज़ आ जाए कि ये कुछ और पावर प्रोजेक्ट्स के अंदर चले गए, क्योंकि ये हमें पता है कि 2023-2024-2025 में तो हाइड्रोलिक पावर सिस्टम ऐडअप होने शुरू होती है, और ये अगर 2024-25 में अनाउंस करेंगे तो नेक्स्ट 2 से 3 साल लगेंगे इनको उसको करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए। तो 2028-29 का शायद विजन आ जाए हमारे पास, लेकिन अभी राइट नाउ तो विजन इनका यही है कि अपने आपको डाइवर्सिफाई करना है, डिसैलिनेशन वाटर या वाटर प्रोजेक्ट्स में जाना है, और साथ में ये जो आपका है ऑयल एंड गैस उसमें जाना है इनका, अभी तक तो यही नज़र आ रहा है। और बाकी ये इनकी हर रिपोर्ट में ये होता है कि वी आर लुकिंग के, मतलब कोई अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी, कोई नज़र आएगी तो हम उसमें शायद इन्वेस्टमेंट करेंगे। और अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि बेस प्लांट को जो इन्होंने कोल पे कन्वर्ट करना है वो किस फेज़ पे इन्होंने अनाउंस करना है, आई गैस को रेलवे ट्रैक के बाद ही अनाउंसमेंट आएगी उसकी, क्योंकि रेलवे ट्रैक जब तक बीस तब तक तो कोल की ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकती यहाँ से थर से। ये ऊपर मैंने ना इसके हापको का शेयर होल्डिंग पैटर्न दिया है, वो तमाम लोगों से गुजारिश ये है कि एक दो इसको ना देखें यहाँ पे कि लोगों के पास, इंडिविजुअल्स के पास इसकी कस्टडी कितनी है, और फिर कंपैरिजन करेंगे हम अपने आप से, या वो आप ये समझ लें कि जो 20,000 या 25,000 से कम जिनकी शेयर होल्डिंग है ना, वो उनके हाथ में देखें क्या है, और उसके ऊपर चले जाएं, आप 1 लाख से ऊपर चले जाएं और उनके हाथ में क्या है, तो आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा इन्वेस्टर्स के अंदर इन है लेकिन खामोशी के साथ, इसलिए बिल्कुल ये साइडलाइन हुआ हुआ है और इसकी एक अच्छी प्राइस आपको इस टाइम मिल रही है। हारून भाई, ये पैटर्न तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा इसको ब्रीफ करेंगे कि इसको स्टडी कैसे करना है इस पैटर्न को। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 1, 1, 1, 2, 2, ये शायद जो स्टेक ले रहे हैं, और फ्रॉम से टू नम समझ नहीं आया, नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड, थोड़ा सा इसको बता दें एक्सप्लेन, तो इसको स्टडी करने में आसानी होगी। थैंक यू। इसमें नंबर ऑफ शेयर्स आ रहे हैं ना फ्रॉम 1 to 100, 100 to 500, ये क्वांटिटी है, और पीछे नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं, ये नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स फॉर एग्जांपल 1 से लेकर 100 तक शेयर्स इन 1000 आदमियों के पास है, इनमें से किसी आदमी के पास 2 शेयर भी हो सकते हैं, किसी के पास 50 शेयर भी हो सकता है, किसी के पास 20 शेयर भी हो सकता है, किसी के पास 100 शेयर भी हो सकता है, लेकिन इनका टोटल जो नंबर है उस ब्रैकेट में दे दिया गया है कि इतने ये शेयर होल्डर्स हैं जिनके पास 1 से लेकर 100 तक है। फिर अगली ब्रैकेट है 100 से लेकर 500 तक शेयर्स कितने लोगों के पास है, फिर उससे अगली ब्रैकेट है कि 5,000 से लेकर 10,000 तक कितने शेयर्स के लोगों के पास हैं, फिर आगे इस तरीके से कंटिन्यू होते रहती है, 25,000 से 30,000 कितने लोगों के पास है, उसमें किसी के पास 25,000 भी हो सकता है, किसी के पास 25,000 एक भी हो सकता है, किसी के पास 29,000 भी हो सकता है, किसी के पास 27,000 भी हो सकता है, वो इस तरीके से वो उन्होंने वो ब्रैकेट्स बनाई होती हैं। तो आप जैसे ही 25,000 की ब्रैकेट में जाएंगे, मतलब आप ये समझें कि एक एवरेज जो आपका मेरे जैसा जो होता है एक नॉर्मल जिसका पोर्टफोलियो होता है, वो 5 से 10,000 की रेंज में उसके पास शेयर्स हो सकते हैं,
और उसके बाद जैसे ही आप अगली ब्रैकेट में देते हैं तो वो पूरे प्योरली इन्वेस्टर हैं जिन्होंने फॉर द लॉन्ग टर्म होल्ड करके एक अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी क्वान्टिटी जिन्होंने रखी हुई है। तो आप जैसे जैसे पैटर्न आगे जाता जाएगा आपको नजर आएगा कि वो मतलब लोगों का इंटरेस्ट कितना है और कितनी कितनी लोगों के पास कस्टडी है, कितनी कितनी क्वांटिटीज है लोगों के पास इस शेयर की, और एंड पे जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है वो मतलब इन 1,000 आदमियों के पास 1 से लेकर 100 तक की रेंज में अपने डिफरेंट प्रोपोर्शन है शेयर्स के, और इनके पास 1,000 आदमी हैं अगर टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ, इनके पास कितना शेयर है, इनके पास टोटल इतना शेयर है। अगेन वो 1 से लेकर 100 तक है लेकिन किसी के पास 10 भी है उसमें, किसी के पास 20 भी है, किसी के पास 30 भी है, किसी के पास 40 भी है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इतने हैं इनके पास, इन 1,000 लोगों के पास। फिर इस तरीके से ये अगली ब्रैकेट में आप मूव कर देंगे, अगली में चलते जाएंगे तो आपको वो सारी ये इक्वेशन इस तरीके से समझ आती जाएगी।